नमस्कार, मैं हूँ सनी राठौर फेरगेज से और आज हम लोग बैठे हैं सरस्वती विद्या मंदिर यमुनानगर के प्रिंसिपल सर डॉक्टर घनश्याम दास गर्ग जी। तो सर, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस फोरम और फेरगेज ने मिलकर जो आज ये ब्लू व्हेल कैंपेन के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट की है टीचर्स के बीच में, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बच्चे जो है सुसाइड करते हैं, उसमें बच्चे उस गेम में उलझते जाते हैं और उस गेम में से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इसमें बच्चों को अवेयर करना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे बच्चे हैं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लासेस के लोग इसमें सुसाइड कर रहे हैं जी, उनकी संख्या कुछ ज़्यादा नजर आती है, और उसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम छोटे बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल करें। सर, एक सवाल मेरा हुआ आपसे कि ये जो आजकल जो टीनेज बच्चों का जो टीनेज स्टूडेंट्स हैं उनका जो व्यवहार है उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो एग्रेसिव रहते हैं, दूसरी एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस बदलते हुए बिहेवियर को समझने के लिए टीचर्स कैसे उसमें हेल्प कर सकते हैं बच्चे को, और पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बदलते हुए बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उस बदलते हुए बिहेवियर को कंट्रोल करना। क्योंकि ये एक जो हमारा आजकल का जो एटमोसफियर चल रहा है इसमें टीचर बच्चे के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, लेकिन वो अकेला ही कर सकता है, जब तक बच्चे के पेरेंट्स के साथ उनका टाइप नहीं होगा। जो ये गेम है ये बच्चों में बहुत ही एक किस्म से फैला हुआ है जी, जो कि बहुत ही बच्चों के लिए डेंजरस है जी, और आज इस वर्कशॉप के दौरान हम सभी को जानकारी दी बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही एक्सप्लेन करके हर चीज़ के बारे में IEF दिल्ली से भारती मैडम आए हुए थे जी, और इसमें वो थे मानव मिश्रा थे जी, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने हर पॉइंट को क्लियर किया कि कैसे इस गेम से छुटकारा बच्चों को दिलवाया जा सकता है जी, तो इसके लिए सरकार ने भी बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई हुई है। आज जो वर्कशॉप थी ये हमारे DSP पंचकुला से निर्धारित थी जी, जिसका आयोजन हमारे स्कूल में हुआ जी, इसमें बच्चों की सुरक्षा के बारे में, बच्चों के अधिकारों के बारे में जी, जिस तरह से बच्चों को जागरूक करना है, अवेयरनेस बच्चों में लानी है, पेरेंट्स में लानी है, इस विषय पर बहुत ही अच्छे ढंग से चर्चा हुई, और इसके लिए समाज को भी आगे आना चाहिए और पेरेंट्स को भी अवेयर की जरूरत है। कुछ उनके लिए जैसे विलेज में थोड़ी जागरूकता कम होती है, नुक्कड़ नाटक होते हैं जी, उसके थ्रू भी इकट्ठा करके नाटक के थ्रू वहां पर उनको समझाया जा सकता है जी, जागरूकता लाई जा सकती है कि बच्चों की जो सुरक्षा है वो सबसे पहले जी। मैम, कोई एक मैसेज इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस फोरम फेरगेज के लिए जो कि इस मुहिम में हम लोग पर्यावरण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं आगे इस मुहिम को आगे लेकर, कोई एक मैसेज? मेरा यही मैसेज है कि इस मुहिम में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से विद्यालयों में वर्कशॉप की जाए जी, और उनके जरिए उसमें हम पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं जी, और जो इस तरह की कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनसे पेरेंट्स को भी जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है जी,